चांद से आखिरी अपडेट, रोवर ने पूरा किया अपना काम, सो गए रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम। 10 दिन तक चांद से जुड़े अनसुलझे राज सुलझाने की कोशिशों के बाद आखिर हमारा प्रज्ञान रोवर गहरी नींद में सो गया है। चांद पर अब एक लंबी रात है और -200 के पारे में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का काम करना मुमकिन नहीं है, लेकिन स्लीप मोड में जाने से पहले रोवर और लैंडर ने कई ऐसी जानकारियां हमें दी हैं जिनसे मानवता का भला हो सकता है। आपको बता दें कि जिस काम के लिए विक्रम को चांद पर उतारा गया था उस काम को उसने पूरा कर लिया है और अब उसी चांद की गोद में बड़े आराम से सो रहा है। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने दी है। इसरो ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर दिया है, इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट किया गया है। APXS और LIBS अब बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है और अभी बैटरी भी पूरी तरह चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़े। इसके रिसीवर को भी चालू रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा। आपको बता दें, चंद्रमा पर 5-6 तारीख तक अंधेरा छाने लगेगा, सूरज ढल जाएगा, फिर लैंडर और रोवर अगले 14-15 दिनों तक रात में रहेंगे, यानी चांद की रात शुरू हो जाएगी। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। उस समय वहां पर सूरज उग रहा था। इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर लैंडर और रोवर उतरे हैं वहां अगले 14-15 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे, यानी अभी वहां पर दिन है जो अगले 4-5 दिन ही और रहेगा, उसके बाद वहां अंधेरा होने लगेगा। सूरज की रोशनी लैंडर और रोवर पर नहीं पड़ेगी, इसीलिए बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने के बाद ही सिस्टम बंद किया गया है ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से ऑन किया जा सके। अब सवाल उठता है कि अंधेरा अगर हुआ तो फिर क्या होगा? लैंडर और रोवर में सोलर पैनल्स लगे हैं, वो सूरज से ऊर्जा लेकर चार्ज होते हैं। जब तक सूरज की रोशनी मिलती रहती है उनकी बैटरी चार्ज होती रहती है, वो काम करते रहेंगे। अंधेरा होने के बाद भी कुछ दिन या घंटों तक रोवर और लैंडर काम कर सकते हैं, ये उनकी बैटरी की चार्जिंग पर निर्भर करता है, लेकिन इसके बाद वो अगले 14-15 दिनों के बाद सूरज उगने का इंतजार करेंगे। हो सकता है अगले 14-15 दिन काम करने के लिए वो सूरज उगने के बाद फिर से एक्टिव हो जाए। चंद्रमा पर हर 14-15 दिन में सूरज उगता है, फिर इतने ही दिन अस्त रहता है, यानी वहाँ इतने दिनों तक रोशनी रहती है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए धरती का चक्कर लगाता रहता है, इसीलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। इसीलिए हर 14-15 दिन पर सूरज की आकृति भी बदलती रहती है। इसरो इस बात को लेकर भरोसा जता रहा है कि सूरज की रोशनी मिलने पर लैंडर और रोवर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।